आप बहुत ज्यादा विदेशी भी आ रहे हैं और देश विदेश से काफी लोग आ रहे हैं और अयोध्या वासी भी उनका स्वागत के लिए तत्पर हैं। लोग अगर बाहर से सर लोग आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल मोस्ट वेलकम जो है, अयोध्या जैसा कहीं नहीं है। मन में कहना चाहेंगे राजनीति में सिर्फ मोदी और योगी बस, और कुछ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नंदन न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी अयोध्या में हैं और लता मंगेशकर चौक पे हैं और वहाँ पे मिल गया सर जो कि अयोध्या वासी हैं और यहीं के रहने वाले हैं, और हम कुछ बात करेंगे और उनसे सबसे पहले परिचय ले लेते हैं। सर आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम हरकेश प्रताप सिंह है। और सर पेशे से क्या है? शिक्षक हैं। पेशे से शिक्षक हैं, मैथ स्पेशलिस्ट हैं फैजाबाद अयोध्या में। कंपटीशन मैथ नंबर वन, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे मिल सकता है। जी बिल्कुल सर। और हाँ, अयोध्या के लिए कहेंगे, जैसे अयोध्या नगरी में जो है आप देख रहे होंगे जो किस प्रकार से चारों तरफ एकदम सजा सवारा गया है, और बात करें जो अभी जो है कुछ देर पहले जो रामलला के जैसे मूर्ति ले जाई जा रही थी, तो यहाँ पे देखेंगे लोगों का हुजूम और काफी भीड़ लग गया। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ ओनली फॉर सब राममय है, राम के अलावा कुछ आदमी को दिख नहीं रहा। ओनली फॉर सब राम, हर जात धर्म के सब राममय है। जय श्री राम। और हाँ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे अयोध्या में तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो और यहाँ अयोध्या वासी के लिए कैसा लग रहा है? मतलब बहुत बहुत दूर दूर से लोग जैसे अयोध्या नहीं आ पा रहे थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण होने से और अभी जो देख रहे होंगे और पहले का क्या अंतर है सर? आप बहुत ज़्यादा विदेशी भी आ रहे हैं और देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं और अयोध्या वासी भी उनका स्वागत के लिए तत्पर हैं और सारी व्यवस्थाएं भी। अयोध्या वासी हैं और आप अगर तत्पर रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे आते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं रहता यहाँ के बारे में, क्योंकि कौन रास्ता किधर से है क्या है, तो सारी चीज़ आप लगभग सभी लोगों को हेल्प पहुँचाते हैं? सबको। और कहा जाए तो पूरा अयोध्या जो है राममय है। पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष है राममय है। और हम यहाँ अभी अयोध्या में हैं और वो भी लता मंगेशकर चौक पर। एक और सर मिल गए हैं। सर आपका नाम क्या हो गया? संतोष सिंह। संतोष सिंह सर, और आप यहीं अयोध्या वासी हैं? जी जी, अयोध्या का। और यहाँ जैसे क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ, फाइनेंस सेक्टर में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे जैसे लग रहा है जैसे यानी राममय तो हो ही गया है, लेकिन कोई कष्ट भी है सर यहाँ? जैसे नहीं, यहाँ कोई कष्ट नहीं है बाहर, बल्कि सुनाई पड़ता है अयोध्या कैसी होगी, लेकिन आप आए हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं, यहाँ ऐसे ही है। यानी जैसे बाहर में कोई कोई न्यूज ऐसा जाता है जो मतलब डर सा फैल जाता है, यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। जी, बस 92 के बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ, अभी पूरा एकदम सुरक्षित है। और हाँ, बाहर से जैसे लोग अगर बाहर से सर लोग आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल मोस्ट वेलकम जो है, अयोध्या जैसा कहीं नहीं है। जी, जो माहौल यहाँ का है कहीं नहीं है। जैसे सर आने के लिए जैसे 22 तारीख के आसपास या कुछ जैसे चर्चाएं चली थी उसके लेकर क्या कहेंगे? जैसे 22 तारीख को तो लोग एंट्री वगैरह तो एंट्री है नहीं, 20 के बाद, 20 और 22 के बीच में तो ऐसे एंट्री है नहीं। जी, लेकिन 22 के बाद लोग आएंगे, यानी 22 के बाद जो है आराम से जो है रामलला जी का दर्शन कर सकते हैं, पूरी अयोध्या नगरी भ्रमण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है अयोध्या नगरी पूरा भ्रमण कर सकते हैं और यहाँ कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की बात की जाए तो पूर्ण समर्थन है, पूरा समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कुछ हट के बात करें, अगर राजनीतिक पर बात करें थोड़ा? नहीं राजनीति चलिए, और राजनीतिक से क्योंकि अलग चलना है, क्योंकि हम इसीलिए पूछ लिए क्योंकि होता है एक मन में कहना चाहेंगे राजनीति में सिर्फ मोदी और योगी बस, और कुछ नहीं। और पिछले 10 साल के लिए और लोगों को पीछे कर दिया, आप समझ सकते हैं ना भैया। अयोध्या नगरी में राम ही नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही नारा है भैया। और विशेष आप क्या सोचते हैं इसके बारे में तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के इतना ही, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।